Hello guys, after my first video, the next video and the next topic will be about the circulatory system, a very important and crucial topic for our examinations, SSC CGL ho, CHSL ho, Punjab Patwari, ab kisi bhi exam mein, jahan pe bhi aapka topic science hoga, wahan pe ye topic circulatory system kaafi important sakta hai. Start karne ja rahe hain circulatory system se. Basically, I will tell you about the functioning of the heart and its various features. Now starting with it, सबसे पहले बच्चों को दिक्कत जो आती है वो आती है how to draw the diagram. माना आपको पेपर में डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, बट अगर आपको इसकी फंक्शनिंग अच्छे तरह से पता होगी, then you will be able to give your answer in the exam. So step by step आप डायग्राम को ड्रॉ करते चाहिए. जिनके दिल बड़े हैं वो बड़ा दिल बनाए, जिनका छोटा है वो दिल का से छोटा रखेंगे. बहुत इजी टॉपिक है. आपको ये एक दो क्वेश्चन आते हैं, इनमें से बच्चे गलती इसलिए करते हैं बिकॉज दे क्रैब इट. आज आई विल गिव यू अ क्रिस्टल क्लियर व्यू ऑफ दिस टॉपिक. डायग्राम आपके लिए इजी बना रहा हूं, कोई डिफिकल्ट नहीं है. क्रैम मत करना, बस बड़े आराम से समझते जाना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो हर्ट है, यानी कि आपका दिल, कईयों का होगा उनके पास, कईयों को चोरी हो चुका होगा. अब आपका जो हार्ट है ना, इसमें आपके पहला क्वेश्चन पूछा था कितने चैम्बर्स होते हैं. फोर चैम्बर्स. चैम्बर्स मतलब खाने, कितने पार्ट्स में डिवाइड है. फोर चैम्बर्स में, 1 2 3 4. गॉट इट. द फर्स्ट वन, द अपर वन आर कॉल्ड एट्रियम या ओरिकल. एट्रियम या ओरिकल. एट्रियम या ओरिकल. एंड द लोअर वन आर नोन एज वेंट्रिकल. क्या कहते हैं इनको, वेंट्रिकल. अब जो ये साइड है, दिस इज नोन एज योर राइट एट्रियम ओरिकल एंड दिस इज नोन एज राइट वेंट्रिकल. गॉट इट. राइट एट्रियम ओरिकल या नीचे वाला क्या आपका राइट वेंट्रिकल, एंड दिस वन विल बी लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन बी लेफ्ट वेंट्रिकल. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. नाउ दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना कैवा. Inferior vena cava and this one is known as superior vena cava. डरना नहीं भैया, नाम देख के vena cava क्या चीज है, superior inferior क्या चीज है. अब थोड़ा सा और इसको elaborate करते हुए, अपने को पता है कि अपनी body में ना तीन तरह की blood vessels होती हैं. कितने तरह की blood vessels है, 3 types की. Arteries, veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries. अब इनका function समझते हैं. जो आपकी arteries है, इनका main function है oxygenated blood. कौन सा blood? Oxygenated. Oxygenated माने तो साफ खून. साफ का मतलब जिसमें क्या हो, oxygen हो. क्या हो जिसमें, oxygen. आपको नाम से ही clear हो रहा होगा. और veins का काम क्या है, to get back deoxygenated blood. Deoxygenated माने तो उस आपके ब्लड में से क्या निकल चुकी है, ऑक्सीजन अब क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. और कैपिलरीज, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा. अब हमारे हार्ट का काम क्या है, टू पंप द ब्लड. ब्लड को क्या करना, पूरी बॉडी में पंप करना. ऑब्वियसली कौन सा ब्लड पंप करेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून. और वापस कौन सा यहाँ पे आएगा ब्लड, गंदा खून वापस आएगा, फिर वो साफ होगा. और इस गंदे ब्लड को, जो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको साफ करने का काम किसका होगा, आपके लंग्स का. आपके घर वाले सुबह उठ के कहते हैं तो है बेटा सैर कराओ. सैर करने का, वॉक करने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रही है, ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन जाने के साथ क्या हो गया, जो आपका ब्लड है उसमें क्या बैठ जाएगी, ऑक्सीजन, और ब्लड क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजनेटेड. गॉट इट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका ये वाला पैसेज है, दिस पैसेज, इट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस वन इट इज नोन एज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन. नाउ दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. हियर वी हैव ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड इन द लेफ्ट साइड वी हैव बाईकस्पिड वाल्व. पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जनरली कि आपके हार्ट के कौन से पार्ट में बाईकस्पिड वाल्व होती है. आपने आंसर क्या देना है, ऑन द लेफ्ट साइड, और ट्राइकस्पिड ऑन द राइट साइड. इसको याद करने का तरीका बता दो, सिंपल, बच्चे अक्सर गलती करते हैं. एल बी माने तो मेरा फ्रेंड है लक्ष्य बंसल, या आप उसका नाम रखते लवली गार. एल मतलब लेफ्ट साइड और बी मतलब बाईकस्पिड. लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है आपकी, बाईकस्पिड वाल. इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना. अब हम समझते हैं हार्ट फंक्शन कैसे करता है. अब देखते हैं, ये आपकी इंफीरियर वेन है, ये रही आपकी सुपीरियर वेन है. होगा क्या, आपका हार्ट बिल्कुल यहाँ पे लोकेट है, ठीक है. होना क्या है, नीचे से गंदा खून आएगा और ऊपर से भी गंदा खून आएगा. नीचे वाला गंदा खून कौन लेके आ रहा है, इंफीरियर वेन है. ऊपर से गंदा खून लेके कौन आ रहा है, सुपीरियर वेन है. ये क्या करेंगे, सारा गंदा खून जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो क्या करेंगे, सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे फेंक देंगे, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल में. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये सीडीएस में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी आया हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सबसे पहली बार कहां पे आएगा, दैट इज राइट एट्रियम. अब उसके बाद गंगा कुंड जब यहां पहुंच गया, ये जो आपके दरवाजे दिख रहे हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पे टोटल तीन दरवाजे लगे हुए हैं जो कि खुलते बंद होते हैं. अब होगा क्या, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां से दरवाजे खुलेंगे, नीचे गिरेगा. नीचे कहां पे गिर गया है, वो राइट वेंट्रिकल में. कहां पे गिर गया, वो राइट वेंट्रिकल. अब आपको बताता हूं, आपका हार्ट क्या करता है, लबदब लबदब की आवाज निकालता है. जब भी आपका हार्ट लबदब लबदब कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कंट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है. कंट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है. अब ऑन द सेम साइड लाइंस, जब आपका राइट वेंट्रिकल में गंदा खून आया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो हार्ट ने क्या किया, कंट्रैक्ट कर गया. मीन्स जो दोनों वेंट्रिकल्स है वो क्या करेंगे, आपका कंट्रैक्ट करेंगे. कंट्रैक्ट होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सीधा कहां पे गया, ऊपर. अब ये आपका क्या लिखा है था मैंने आपको, पल्मोनरी आर्टरी. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ चुका है, आपका पल्मोनरी आर्टरी में. बट सर एक डाउट है कि वैसे तो आपने लिखवाया कि आर्टरी में कौन सा खून होता है, ऑक्सीजनेटेड. अब किस आर्टरी में कौन सा खून आ चुका है, डीऑक्सीजनेटेड. नोट दैट पॉइंट बेटा, पेपर में यही पूछेंगे आपसे कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. अब यहां से आपका ब्लड होते हुए कहां चला गया, आपके लंग्स के पास, फेफड़ों के पास. अब आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पहुंच चुका है, आपके लंग्स के पास. अब लंग्स का काम क्या होगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से जो सारी गंदी गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या निकाल दे, बाहर निकाल दे, और उसमें क्या दोबारा से फिल कर दे, आपकी ऑक्सीजन. फेफड़ों में ब्लड गया, लंग्स में ब्लड गया, तो वहां पे क्या होगा, आपका गैसेस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन वहां पे दोबारा से आ जाएगी और CO2 क्या करेगी, बाहर चली जाएगी. आसान है, सिंपल है. लंग्स में क्या हुआ, अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा चुकी है और उसमें ब्लड में दोबारा से क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन. अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके किसने आना है, पल्मोनरी वेन ने. सर पंगा पड़ गया फिर से, याद रखिएगा वेन्स में जनरली कौन सा ब्लड होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड. जनरली वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड.
बट जो पल्मोनरी वेन है ये अकेली ही कौन सा ब्लड कैरी करती है आपका, ऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड। इसी के साथ यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम ने कंट्रैक्ट किया, ये दरवाजे खुले यहाँ से जो कि बाइक स्पीड वॉल्व है, और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गिर गया, नीचे गिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, ऊपर। और जो ये आपकी वेसल ब्लड सप्लाई करेगी पूरी बॉडी को, जो ये आर्टरीज का नाम क्या है, अयोटा, सॉरी अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। पेपर में पूछेगा कि विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, क्या नाम दे रहे हैं आपने उसका, अयोटा। अब यहां से ब्लड आपकी सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ योर हार्ट की हाउ योर हार्ट वर्क्स। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, गंदा खून सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से लेके आ रही है, नीचे से इनफीरियर वेना कैवा लेके आई, कहां पे डाल दिया आपके दिल के कौन से हेड में डाल दिया उसने, राइट एट्रियम। भैया रट्टा मारोगे तो नाम भूलोगे कि राइट एट्रियम में है कि राइट वेंट्रिकल है, राइट ओरिकल है या किसमें है, सिंपल। सबसे पहला गंदा खून आपकी कहां पे रिसीव होगा, राइट एट्रियम में, दरवाजे खुलेंगे, गंदा खून कहां पे गिरा, राइट वेंट्रिकल में, आफ्टर दैट कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन होने के बाद गंदा खून चढ़ गया आपका ऊपर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, देन आपके लंग्स में चला गया। आफ्टर दैट उस गंदे खून को साफ किसने किया, लंग्स ने साफ किया, उसके बाद पल्मोनरी वेन उसको लेके आई, कहां पे फेंक दिया, लेफ्ट एट्रियम में, फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन विद द हेल्प ऑफ अयोटा ये आपका कहां चला गया, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये आपका सिंपल प्रिंसिपल है हार्ट का कि हाउ योर हार्ट वर्क्स। आज के लिए आपको इतना ही जानना था, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेसमेकर के बारे में, आपका ब्लड प्रेशर के बारे में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम उसके लिए। ओके, थैंक यू गाइस।